में आपका स्वागत है। तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं शीतल दुबे। आइए देखते हैं क्या कुछ है खबरों में खास। नक्सल अभियान में लगी झारखंड पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा के तहत हार्डकोर इनामी नक्सली दीपक उराव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। शनिवार को DIG ने इसकी जानकारी दी। कुख्यात इनामी नक्सली दीपक उराव उर्फ प्रकाश ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। इस बाबत DIG अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि 2017 से अब तक विभिन्न मुठभेड़ों में 9 उग्रवादी मारे गए, वहीं बहुत से नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बताया कि इस बार 23वें आत्मसमर्पण के रूप में हार्डकोर नक्सली दीपक उराव उर्फ प्रकाश ने सरेंडर किया है। DIG ने बताया कि नई दिशा कार्यक्रम से प्रेरित होकर उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बताया कि शीर्ष नेतृत्व के वर्तमान क्रियाकलाप शोषण से फ्रस्ट्रेट होकर उसने समर्पण किया है। बता दें कि सरेंडर नक्सली दीपक उराव पर सरकार ने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। वहीं यह 18-19 वर्षों से विभिन्न पदों पर सक्रिय रहकर अभी जोनल कमांडर के रूप में गढ़वाल, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा की कमान संभाले हुए था। आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 23वें आत्मसमर्पण के रूप में हम लोगों को मिली है, जिसमें कि कोयलशंग जोन, जो माओवादियों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, उसके जोनल कमांडर दीपक उराव उर्फ प्रकाश उराव, जो कि माओवादियों के एक बहुत बड़े क्रियावादी रहे हैं और कोयलशंग जोन के जोनल कमांडर के रूप में कार्य कर रहे थे, जिनके अंडर गढ़वा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, कुमला और सिमडेगा का एरिया आता था। उन्होंने झारखंड पुलिस के इस प्रयास से प्रेरित होकर, नई दिशा जो कार्यक्रम है उससे प्रेरित होकर आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।